हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो मैंने आपको चैप्टर 4 लिंक आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम आपको चैप्टर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जैसे किया था, सेम उसी प्रोसेस में आपको फोर्थ चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको फोर्थ चैप्टर क्वेश्चन आंसर इस तरह से हैं। देखिए, आपको फर्स्ट चैप्टर का जो थॉट है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी लोग डेट मेंशन कर देंगे आज की। और आपका चैप्टर थॉट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चैप्टर 4 लिंग। प्रश्न उत्तर, आपका क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं? लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक ओपन करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? आप सभी को पता है, लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों व भावों का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वन साइड स्त्रीलिंग लिखना है, वन साइड पुल्लिंग लिखना है, एंड वन साइड स्त्रीलिंग लिखना है। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल में से मामा, मामी, शिष्य, शिष्या, वर, वधु, जेठ, जेठानी, बेटा, बेटी, शेर, शेरनी, राजा, रानी, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी। स्टूडेंट्स, आप नीचे ये पोर्शन मेरा है, नीचे लिखिएगा। मतलब जिस तरह से आप पहले क्लासेस में चैप्टर्स में करते थे ना, वैसे करना है आपको। पेज फिल हो गया, इसलिए हमने आपसे यहाँ साइड में कर दिया, लेकिन आप लोग अपना नेक्स्ट पेज भी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज ओपन करिए, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज लिंक। स्टूडेंट्स, देखिए, आपको क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करा दिया, इसलिए आप यहाँ पर लिख देंगे डन इन नोटबुक। आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपका क्वेश्चन है, लिंक के कितने प्रकार होते हैं? आंसर 2। शीला किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग। दिनों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में। गंगा किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग। नदियों के नाम किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, निम्नलिखित में चार चार उदाहरण दीजिए, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब इसमें आपको क्या करना है, पुल्लिंग में जो भी मतलब चार, इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, चार एग्जाम्पल लिखने हैं उसके। मतलब पुल्लिंग के चार आपको लिखने हैं और स्त्रीलिंग के चार, जैसे मामा, मामी, बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, दादा और दादी। सेम उसी प्रोसेस में आपको इसमें भी करना है, इसे आप अपने आप से करेंगे। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। जेठ का, जेठ और जो भी पुल्लिंग में आते हैं, लता, पुत्री, बकरी, ये आपका हेल्पिंग बॉक्स है, इसे आपको दे करके इनको अलग अलग करना है। निम्नलिखित चित्र स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द लिखिए। अब ये जैसे बाल्टी है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आपको लिखना है। टेलीफोन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? घड़ी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ब्रश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ड्रेस स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है। आपका नेक्स्ट नंबर है 6। निम्नलिखित वाक्य को सही करके पुनः लिखे। श्याम ने अपनी कोट पहना है, तो इसका सही वाक्य होगा, श्याम ने अपना कोट पहना है। महिमा के पैर में दर्द है, महिमा के पैर में दर्द है, महिमा की पैर में दर्द है, तो महिमा के पैर में दर्द है। मेरे मित्र ने मुझे मोबाइल दी, मेरे मित्र ने मुझे मोबाइल दिया। कबूतर उड़ रही है, कबूतर उड़ रहे हैं। नदी में नाव चलता है, नाव नदी में चलती है। स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग, निम्नलिखित शब्दों को परिवर्तित करके लिखिए। माता, पिता, हंस, हंसनी, आपको क्या करना है, ये कहीं पर स्त्रीलिंग दिया है तो कहीं पर पुल्लिंग दिया है। आपको इसके सामने बॉक्स दिया है, आपको इसमें उसका अपोजिट लिखना है। गॉट इट एवरीवन? आई होप स्टूडेंट्स, आपको फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको चैप्टर से एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका आज का होमवर्क है 4, 5 एंड 7 एक्सरसाइज आपको अपने आप से फिल करना है।
अगर आपको इस होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।